दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप खुद से चेक कर सकते हैं अगर किसी कंपनी ने आपका TDS काट लिया है, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, आपका टैक्स कट गया है TDS के रूप में, तो आप खुद से कैसे चेक कर सकते हैं कितना TDS काटा है कंपनी ने, और इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको दिख जाएगा कि उस कंपनी ने कितना टैक्स जमा करवाया है आपके नाम से। अब TDS कहाँ कहाँ से कट सकता है, सैलरी से भी कट सकता है, आपके बिजनेस से कोई कंपनी से पेमेंट आ रही है उसमें भी कट सकता है, शेयर मार्केट में अगर आपको डिविडेंड इनकम होती है उसमें भी कट सकता है TDS, FD में आपका इंटरेस्ट है या कहीं पे भी आपकी डिपॉजिट कर रखी है वहाँ से इंटरेस्ट इनकम होती है उसमें भी TDS कट सकता है, आप गेमिंग वगैरह करते हैं जहाँ पे आपको कंपनीज 30% तक का डायरेक्ट टैक्स काट लेती है तो उसका भी आप TDS जो है वो सारी डिटेल आप इनकम टैक्स पोर्टल पे चेक कर सकते हैं। और अगर आपका एक फाइनेंशियल ईयर में, जैसे कि अभी बात करें अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 जो कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर है उसकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो रही है, अगर आपके पूरे उस साल में TDS अमाउंट 25,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अगर आप फाइल नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस आ सकता है। इनकम का क्राइटेरिया अलग होता है, इनकम आपकी अगर एक साल में 3 लाख रुपये से ज़्यादा है तो आपको ITR फाइल करना जरूरी है, अगर आपकी इनकम 3 लाख से कम है और TDS आपका 25,000 से ज़्यादा है तो उस केस में भी आपको ITR फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। तो अगर आप हमारे थ्रू ITR फाइल करवाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप बुकिंग कर सकते हैं, या फिर आप खुद से भी फाइल करना चाहते हैं तो हमने काफ़ी सारे वीडियोस फ्री में आप अपनी ITR घर बैठे कैसे फाइल करें उसके ऊपर भी बना रखें, आप वो वीडियो देखकर फाइल कर सकते हैं। तो चलिए अभी अपन बात कर लेते हैं कैसे आप चेक कर सकते हैं आपका TDS कितना काटा है कंपनी ने, कितना जमा करवाया, वो सारी डिटेल आपको दिख जाएगी। देखिए जो जनवरी फरवरी मार्च 2024 है वो लास्ट क्वार्टर का जो TDS जमा होएगा गवर्नमेंट के पास में उसकी ड्यू डेट ही थोड़ी लेट होती है, तो कंपनीज जो है उसको जमा कराने में मई का जो है आधा महीना लगा देगी, वहां पर आपकी जो पूरी जानकारी है वो रिफ्लेक्ट होने में 15-20 मई तक का समय लग सकता है। तो अभी के टाइम में अगर आप अपनी ITR फाइल कर रहे हैं तो ना करें, अगर आपका जनवरी फरवरी और मार्च वाले क्वार्टर में कोई TDS कटा है तो आप ITR उसको बाद में ही फाइल करें, मई के लास्ट में या फिर जुलाई जून में आप फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, TDS चेक करने के लिए इस वेबसाइट पे आ जाना है, गूगल पे आप सर्च करेंगे इनकम टैक्स लॉगिन तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी, यहां पर आ जाना है, इधर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपका जो पैन कार्ड नंबर होता है वही आपका यूजर नेम होता है, लेकिन अगर आप इस पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, आपने आज तक इस पे अकाउंट नहीं बनाया तो आपको अकाउंट बना लेना है, रजिस्टर पे क्लिक करके आप अकाउंट बना सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप एकदम इजी प्रोसेस है। अगर आपको फिर भी जानना है तो उसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बना रखा है, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं रजिस्टर कैसे करना है, हम इस वीडियो में रजिस्टर की बात नहीं करेंगे। तो अपन को क्या करना है, पैन कार्ड नंबर डालना है, अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं वो भी प्रोसेस अपन देख लेंगे कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए अपन यहां पर अपना पैन कार्ड नंबर डाल देते हैं। तो देखिए अपन ने पैन कार्ड नंबर डाल के कंटिन्यू किया, यहाँ पे अपने को पासवर्ड डालना है, अगर आपको पासवर्ड पता है तो पासवर्ड डालिए, सिंपल, नहीं पता फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको फिर से यूज़र नेम डालना है तो अपन जल्दी से ये यूज़र नेम डाल लेते हैं, यूज़र नेम डाल के कंटिन्यू करना है। उसके बाद में यूज़र नेम जो है वो आपका पैन नंबर ही है, उसके बाद में अपने को यहाँ पर सेलेक्ट करना है कहाँ पे आपका OTP आए, तो सिंपल सा आधार मोबाइल सेलेक्ट कीजिए, बाकी वो आप इग्नोर करिए, फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके सेट आई ऑलरेडी या फिर आपको जनरेट पे क्लिक कर देना है, जनरेट पे क्लिक करके OTP भेजा जाएगा आधार मोबाइल नंबर पर, वो आपको यहाँ पर डाल देना है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आए अपन उसको डाल देते हैं, ये OTP डाल दिया, इस पर अपने को वेरीफाई क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर अपने को नया पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन है तो अपन जल्दी से यहाँ पे नया पासवर्ड सेट कर लेते हैं, ये देखिए नया पासवर्ड अपन ने डाल दिया, सबमिट पे क्लिक करना है और अपना जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। अब अपने को फिर से लॉगिन कर लेना है, अब अपना यहाँ पर वही पैन कार्ड नंबर डाल के लॉगिन कर लेते हैं, पैन कार्ड नंबर, उसके बाद में अब अपना जो अपन ने नया पासवर्ड सेट किया है वो डाल देते हैं, नया पासवर्ड डाल के आपको कंटिन्यू कर लेना है। अब देखिए इस प्रकार का होम पेज आपके सामने आ जाएगा, अगर आप मोबाइल में भी इसको फॉलो कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम आपका प्रोसेस होने वाला है। यहाँ पर आप जाएंगे ई फाइल के ऑप्शन पे, इधर आपको इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन मिलेगा इसके अंदर ही, और यहाँ पर आपको व्यू फॉर्म 26AS का ऑप्शन मिलेगा, ये फॉर्म 26AS जो होता है यही होती है आपकी डिटेल TDS की, इसके अंदर आपको TDS की सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, इधर क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करना है और व्यू फॉर्म 26AS पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर में लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, 24-25 करना है, 24-25 असेसमेंट ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24, जो 23-24 फाइनेंशियल ईयर होता है
उसको ही असेसमेंट ईयर 24-25 बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको 24-25 सेलेक्ट करना है, क्योंकि अपन 23-24 की जो डिटेल है वो देख रहे हैं। व्यू एज HTML पे करके व्यू करेंगे, और यहाँ से आप एक्सपोर्ट एज PDF कर सकते हैं, जो आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अभी अपन इसको डाउनलोड ना करके यहीं पर देख लेते हैं डिटेल। आप देखेंगे यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी, उसके नीचे आप देखेंगे किस कंपनी ने आपका TDS काटा है, कितना काटा है, सारी जानकारी आपको यहाँ पे उस कंपनी के 10 नंबर के साथ में मिल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कंपनी ने 39,000 रुपीज़ का पेमेंट किया है, जिसमें से 30% का इन्होंने TDS काट लिया, लगभग 11,988 रुपये का इन्होंने TDS काट लिया है। अब ये जो TDS अमाउंट है, यहाँ पर आप खुद से अपना चेक कर सकते हैं। और कंपनी ने काटा होगा तो यहाँ पर 2 नंबर लगाकर उसकी भी डिटेल आ जाएगी। जितनी ज़्यादा कंपनी ने आपका TDS काटा होगा, सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ से अब क्या करना है, आपको ये डिटेल देख लेनी है। ITR फाइल करते टाइम पे आपको इस जानकारी को कंपलसरीली कंसिडर करना है, यानी कि ये किस कंडीशन का है आपको पता करना है इसके बारे में। अब देखिए, इस कंपनी ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग अमाउंट पे किया, तो उसमें से TDS काट के पे किया है। अब आप ITR जब भी फाइल करेंगे, ये आपको बताना है। ये जो इनकम है, गेमिंग इनकम है, तो आपको ये जानकारी देनी कंपलसरी है, कितना आपका TDS इस कंपनी ने काटा है। अगर आप ITR फाइल नहीं करना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि 11,000 का TDS है। इसके अलावा आपकी अगर कोई इनकम नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपकी इसके अलावा और भी इनकम है और आपको ITR चाहिए, तो ITR फाइल करनी है, तो इसको फिर कंसिडर करना पड़ेगा। स्किप करेंगे तो पूरा ऑप्शन स्किप हो जाएगा। अगर आप ITR फाइल करते हैं और इसको स्किप कर देते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा ना करें। और इसको क्लोज करके ITR फाइल करने से पहले आपको फॉर्म AIS भी चेक कर लेना है। इसके अंदर भी आपकी काफ़ी सारी जानकारी होती है, जिसके बारे में इस वीडियो में अपन अभी बात नहीं करेंगे। अपन ने केवल TDS की जानकारी इस वीडियो में जानी है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं, इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।